मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुर्जर समाज ने हुंकार भरी है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया गुर्जर विकास संगठन के तत्वाधान में सम्मेलन हुआ, जहां गुर्जर समाज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों की 25 विधानसभा सीटों पर टिकट देने की मांग की है। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया गुर्जर विकास संगठन के तत्वाधान में गुर्जर प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गुर्जर समाज की कांग्रेस पार्टी में भूमिका और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कमलनाथ ने कहा कि समाज के प्रतिनिधियों ने जो मांगे समाज की ओर से रखी है, कांग्रेस की सरकार बनते ही उन पर विचार किया जाएगा। और उस हालात को आम जनता हमारा कार्यकाल था, 15 महीने का कार्यकाल था, जिसमें से 10 महीने लोकसभा और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आप कर रहे, अगर हमने 27 लाख किसानों का पहले किस्त में कर्जा माफ किया, पहली किस्त में दूसरी किस्त चालू, हमने पेंशन बढ़ाई, मैं ज्यादा नहीं चाहता क्या क्या किया, किसानों को कोई बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, सही रेट पर मिले, भटकना ना पड़े। आज क्या हालत है कृषि क्षेत्र में, कैसे नई क्रांति लाए, इसकी शुरुआत मैंने कर दी। ये आपके गांव की किराने की दुकान भी चलती है, जब किसान की जेब में पैसा तब किराने की दुकान चलती है। ये आज तस्वीर आज सबके साथ है, और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप रक्षक हैं मध्य प्रदेश के भविष्य के। आप दाएं ना देखिएगा, दाएं नहीं देखिएगा, मध्य प्रदेश का भविष्य देखिएगा। और अगर आपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखा, तो मैं वचन देता हूं कि हम एक ऐसी शुरुआत करेंगे। मैंने कहा है अपने माताओं और बहनों को 1500 रुपए गैस सिलेंडर 500 रुपए में, मैं और भी ज्यादा कहना चाहता हूं, कर्जा माफी फिर से शुरू करेंगे। शिवराज सिंह जी को तो बहने याद आई, 18 साल का उनको किसान याद आई, 18 साल का आज कर्मचारी याद आ गई। ये नाटक नौटंकी और कलाकारी की राजनीति में उनको कोई हरा नहीं सकता। मैं तो कहता शिवराज जी को, ये आप तो इससे अच्छे कलाकार हैं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। केवल पुलिस प्रशासन और प्रशासन बचा है, और कुछ नहीं बचा। शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, ये आज हालात है प्रदेश का। और मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस समाज से हैं जिसका एक इतिहास है, आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और प्रदेश की तस्वीर में कर दी अपने सामने, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ तो दे देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो ये मध्य प्रदेश का भविष्य। आने वाला चुनाव, आने वाला चुनाव केवल उम्मीदवार और पार्टी का नहीं, आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा कि कहां हम जाना चाहते हैं, हम कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। उस भविष्य के रक्षक है आपके अंदर, कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो अब अगले 4-5 महीने में होने जा रहा है। और मौसम भी आज बारिश का है, मुझे बहुत खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में आकर। खुशी इसीलिए हुई कि गुर्जर समाज से मेरे पारिवारिक संबंध है, गुर्जर समाज ऐतिहासिक और बलिदानी जाति। आप अगर आप शहर में देखें कितने गुर्जर हैं, कितने गुर्जर हैं,
कुर्बानी। ये गुर्जर समाज स्वाभिमान और बलिदान से भरी हुई जाति है और शांति भाईचारे का प्रतीक। आज हमें प्रदेश की तस्वीर सामने रखी, ये तस्वीर आप सबके सामने। आज गुर्जर समाज जो है क्या करता है, फौज में तो भर्ती होता है पर ज्यादातर खेती से जुड़े होते, सही बात है ना, ज्यादातर खेती से जुड़े होते। मुझे जिन्होंने तो जीवन जो बुजुर्ग है उन्होंने तो जीवन काट लिया, पर जो नई पीढ़ी आई है ये नौजवान है, ये क्या खेती केवल काम कर रहे हैं। 20 साल पहले और आज के जो आपके परिवार के सदस्य हैं नौजवान हैं बहुत अंतर है। 20 साल पहले वो कहते थे खेत में काम कर लेंगे, आज आपने उनको पढ़ा लिया, बीटेक कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, वो खोज लिया और यही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। ये नौजवान का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा, यह आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश की है। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है और जो तमिलनाडु में केरल में अपना सामान बेचता है वो उद्योग लगाते हैं पंजाब में रह जा रहा है। ये हालात है क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको विश्वास है। सबसे भ्रष्ट देश, सबसे भ्रष्ट देश पूरे देश में मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार की व्यवस्था और कोई भ्रष्टाचार जिस सीमा हर सीमा पार कर गया वो तभी संभव है जब ऊपर वालों का हम पर हाथ हो। अभी कभी दो भाजपा नेताओं ने कि भ्रष्टाचार क्या हालात है, गांव गांव में आप पूछिए 50 एकड़ जमीन है पैसे दो पर गरीबी रेखा में नाम लेता, सही बात है, पैसे दो काम दो, ये आज हालात। 10 लाख मैं कह रहा हूं 50 एकड़ वाला है, हाँ पैसे दे दे और गरीबी रेखा में नाम लेता, जो भी हितग्राही है उनसे कमीशन लो, योजनाओं की कमीशन लो। 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 12 महीनों में दिया है, कितना, 3,30,000 करोड़। मैं तो पूछता हूं इस 3,30,000 करोड़ इसका ब्याज बताने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, इसका हुआ क्या, क्या हमारे संविधान है, क्या हमारे अतिथि शिक्षक, क्या उनको लागू है, क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं को लागू हुआ, किसको लागू हुआ। ये कर्जा जो दिया है बड़े बड़े कर्जे दिए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, मेरी राय की बात नहीं, बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 12 महीनों में, ठेके दो एडवांस दो और अपनी कमीशन निकालो, ये इनका जाय पार है, ये हालात। वहीं मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मवाई और ऑल इंडिया गुर्जर विकास संगठन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र हर्षाना ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गुर्जर समाज को हर चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। इस बार गुर्जर समाज के लिए 25 सीटों की मांग पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से की है। रोज घोषणाएं करती है लेकिन कमलनाथ घोषणा नहीं करेगा, आपको करके बताएगा कि आपके समाज के साथ न्याय हुआ, ये मूल उद्देश्य आज के इसका है। हाँ 25 विधानसभा क्षेत्र है, गुर्जर बाहुल्य विधानसभाओं में गुर्जर समाज को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जो हमारे नेता सर्वे में निकल के आ रहे हैं या जिताऊ प्रत्याशी है उनको टिकट दे कांग्रेस पार्टी। हाँ उसमें उनके सर्वे में जो लोग आएंगे और जिताऊ होंगे उनको कमलनाथ जी टिकट देंगे समाज के लोगों को। ये दूसरे मुद्दा उसमें हमारा ये था कि हमारी सीटों पर अन्य बिरादरियों के लोग गीत दृष्टि जो डाली हुई है
उस गीत दृष्टि से समाज की रक्षा करनी है। हमारे समाज की जो विधानसभा है उनमें हमें ही प्रतिनिधित्व मिले, दूसरे लोग आके हमारी विधानसभाओं में अतिक्रमण नहीं करें, ये हमारा मुद्दा कमलनाथ जी तक पहुंचाने का। देखिए मैं आपको बताऊं, ये संगठन के बैनर तले हुआ जो गुर्जर समाज का गुर्जर विकास संगठन है, उन्होंने ये कार्यक्रम कराया था, हम लोगों को उसमें आमंत्रित किया था और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्य अतिथि के रूप में उसमें बुलाया गया था। निश्चित तौर पर गुर्जर समाज की कोई बैठक होती है तो समाज के हित में बात की जाती है। गुर्जर समाज के जो हमारे नेतागण हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने गुर्जर समाज को यहाँ से 25 सीटों की मांग की है, जहाँ गुर्जर समाज की बहुलता है उसके आधार पर। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा, अगर किसी किसी पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर गुर्जरों को महत्व मिलता है तो वो कांग्रेस पार्टी में मिलता है। कांग्रेस वाली चाहे 2018 का चुनाव हुए, लगभग 10 के आसपास टिकट कांग्रेस को मिले थे, उपचुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस को गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व उपचुनाव में मिला, उदाहरण के तौर पर मैं हूँ। और गुर्जर समाज की कुछ अगर कोई पार्टी करती है और गुर्जर समाज का कोई ख्याल रखता है कोई पार्टी या कोई नेता, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी रखते हैं। सचिन पायलट, निश्चित तौर पर सचिन पायलट समाज का व्यक्ति होता है, समाज का संगठन होता है, वो अपनी मांग रखते हैं और उन्होंने उन्होंने निश्चित तौर पर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो राजस्थान से हैं, ये मामला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की अलग बात है, लेकिन भावना है जो समाज के देश की, तो वो चाहते हैं कि एक सचिन पायलट वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में प्रतिनिधित्व करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।